नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। एक इंतज़ार आज ख़त्म हुआ जिसपे काफ़ी दिनों से पहलवान कुश्ती कर रहे थे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिल गई है। आज दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस में कोर्ट में नाबालिग यौन शोषण की 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी और 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। आप दोस्तों जानते ही हैं कि 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। इस मामले में पहले पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। पहला मामला 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर था, जबकि एक केस नाबालिग की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद ये पूरा खेल पहलवानों का इंटरेस्टिंग होता गया। जिस समय पहलवान धरने पे बैठे हुए थे, उनको तमाम लोगों का सपोर्ट मिलने लग गया। कभी वहाँ केजरीवाल पहुँच रहे थे, कभी वहाँ राहुल गांधी पहुँच रहे थे, कभी प्रियंका वडेरा पहुँच रही थी। तमाम सारे राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे थे। काफी कुछ हुआ। मोदी को बुरा भला कहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इवन ये भी कह दिया गया कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, यानी कि जो कुछ नहीं कहना चाहिए था वो भी वहां पर कहा गया। खैर, नाबालिग पहलवान के केस में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में जो कहा है वो मैं आपको बताती हूँ। जांच में यौन शोषण के कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए इस केस को बंद कर रहे हैं। अब आप देखिए, इधर ये केस बंद हुआ है, उधर और बहुत सारे केस खुलने वाले हैं। किनके? उन लोगों के जो जंतर मंतर पर बैठ करके हो हल्ला कर रहे थे इस केस को लेकर के। वो हैं किसान, जाट, खाप और न जाने कौन कौन से दलों के मुखिया। उस पर भी बात करेंगे। दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता है सुमन नलवा, उनके अनुसार पॉस्को मामले में शिकायतकर्ता यानी कि जो पीड़िता है, उसके पिता और स्वयं उस नाबालिग लड़की ने बयानों के आधार पर जो उसने अपने बयान वापस लिए थे, उस मामले के आधार पर मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट से अपील की है। आपको याद होगा कि लड़की जो थी उसने आरोप लगाए थे, बाद में उसके पिता ने उनको वापस ले लिया था। इवन नाबालिग लड़की के दादा दादी भी सामने आ गए थे। जब मामला ज़्यादा बढ़ रहा था, जब ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था, उन्होंने सामने आके कहा था कि कोई भी यौन शोषण नहीं हुआ है और ये लड़की नाबालिग नहीं है, ये लड़की बालिग है। खैर, नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन बाद में बयान बदल लिए। नाबालिग पहलवान ने यह भी कहा कि यौन शोषण नहीं, ब्रजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया था। यही सेम बात उसके दादा ने भी कही थी। किसके? नाबालिग लड़की के, नाबालिग जो पहलवान लड़की थी। और ये जो जब उसका ट्रायल में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जो पिता थे नाबालिग लड़की के, वो गुस्सा खा गए थे, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद ये सारा खेल रचा गया। नाबालिग पहलवान के 2 बार कोर्ट में बयान दर्ज किए और इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है 4 जुलाई को होगी। कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस चलेगा या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि 2 बार ये लड़की बयान बदल चुकी है। पहला बयान जो था वो इस तरीके से था, ब्रजभूषण ने जबरदस्ती खींचा, कंधे से नीचे हाथ ले गया और कमरे में बुला करके जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। दूसरा जो बयान जो फिर बदल के आया वो था, मेरे साथ ट्रायल में भेदभाव किया गया, विरोध करने पर कहा गया कि खेलना हो तो खेलो
वरना दूसरे एथलीट को विजेता घोषित कर देंगे। ये बयान बदल के सामने आया था, हालांकि दोनों बयान बिल्कुल डिफरेंट है। ये बयान क्यों बदले गए, ये बयान क्यों दिए गए, पहले क्यों आरोप लगाया गया? दोस्तों, ये खेल अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे मामलों में ऐसे आरोप क्यों लगते हैं। और इसके ऊपर मैं कई वीडियो भी बना चुकी हूँ कि किस तरीके से आरोप ये लगाए गए, बाद में वापस लिए गए। दिल्ली पुलिस की जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने मीडिया के साथ आज ये भी बात शेयर की कि 6 बालिग पहलवानों के केस में ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कुछ धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। विनोद तोमर के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई है और केस की जो अगली सुनवाई है वो 22 जून को होगी, यानी कि इसी महीने। अब जब इतना कुछ हो गया है और पहलवानों को ये लग रहा है कि उन्होंने इतना शोर शराबा मचाया और नतीजा ये निकला कि ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है कोर्ट से, तो अब क्या करेंगे? अब इससे जुड़े जो पक्ष हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? उनको पहले भी बहुत कुछ करने की अंदर इच्छा थी, तो उन्होंने धरने किए, प्रदर्शन किए, सड़कों पे किसानों को लेकर के बैठे, तमाम बहाने ढूंढे कि माहौल खराब हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चूंकि कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी गई है, चार्जशीट के 1000 पन्नों में जांच रिपोर्ट, सबूत और किन धाराओं में केस चलेगा इस पे बात होगी। ब्रजभूषण के खिलाफ लगा पॉक्सो एक्ट हट सकता है, लेकिन अगर पॉक्सो एक्ट हट जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 28 मई को पहलवान और उनके समर्थकों पर दर्ज केस वापसी को लेकर के कोई फैसला हो सकता है। और वहीं भारतीय कुश्ती संघ की जो आंतरिक शिकायत समिति है उसमें किसी महिला को इसका अध्यक्ष बनाने की घोषणा हो सकती है। इस कमेटी के सामने नाबालिग पहलवान से भेदभाव की शिकायत भेजी जा सकती है। खेल मंत्री की घोषणा के बाद चुनाव का शेड्यूल जारी हो सकता है। 2 प्रशिक्षकों को एडहॉक कमेटी में शामिल किया जा सकता है, यानी कि समझ लीजिए कि शामिल कर ही लिया है। पहलवानों की संघर्ष कमेटी को अगर देखें तो जांच रिपोर्ट उपयुक्त ना मिलने पर आज वो अपने बड़े वाले आंदोलन का फैसला कर सकते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो आज रिपोर्ट आई है ऐसा नहीं होगा, लेकिन चूंकि अब ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है तो वो शाम तक कुछ घोषणा कर सकते हैं कि कल से वो क्या करेंगे। वैसे अभी भी वो कुछ ना कुछ किए ही जा रहे हैं। जगह और तारीख शाम को घोषित कर सकते हैं, एक ट्वीट आएगा साक्षी मलिक का या किसी भी फोगाट बहन का कि वो क्या करने वाले हैं। जांच रिपोर्ट से संतुष्ट हुए तो सरकार से एशियाई खेलों के ट्रायल से संबंधित अपील कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, एडहॉक कमेटी की ओर से ट्रायल 20 से 25 जून तक कराने की संभावना है, ये जो विद इन 10 डेज जो ट्रायल होने वाले हैं। और पहलवान चाहते हैं कि ट्रायल के विजेता के साथ उनके नाम भी शामिल किए जाएं और अगस्त के पहले सप्ताह में ट्रायल के विजेताओं से उनका मुकाबला करवाएं। खेलना तो चाहते हैं लेकिन अब क्या करें? अब उन्होंने जिनके कंधे पकड़े हुए हैं वो हैं किसान, वो हैं जाट, वो हैं सतपाल मलिक जैसे लोग, वो हैं केजरीवाल जैसे लोग जो चाहते हैं कि सरकार डिस्टर्ब रहे, इनको लेकर के कोई बात आगे ना बढ़े। लेकिन अभी ने कुछ ना कुछ शोर तो मचाना है, लेकिन बात यह है कि 20 से 25 जून तक जो पहलवान चाहते हैं कि जो ट्रायल के विजेता हैं उनके साथ उनका मुकाबला करवाया जाए। खैर, आपको पता ही है कि रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक की 7 जून को मुलाकात हुई थी खेल मंत्री से अनुराग ठाकुर के साथ। 6 घंटे तक मीटिंग चली थी जिसके बारे में साक्षी ये कह रही थी कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और वो फोन पे बिजी रहे। अगर 6 घंटे वो बैठे हैं उसके बाद ये चुप हो गए हैं तो फिर कोई बात क्यों नहीं बनी? कोई बात तो बनी है ना। उसी के बाद फिर ये लोग अपनी नौकरी पे लौटे हैं
और आपको याद होगा कि रेसलर साक्षी मलिक ने ये कहा था कि सरकार ने जांच पूरी करने के लिए 15 जून का टाइम मांगा है। सो आज 15 जून है, आज तक जांच हो गई है और चार्जशीट सौंपी गई है, उसके बाद क्लीन चिट दे दी गई है और उनसे ये भी कहा था कि तब तक कोई प्रदर्शन ना करें। अब अगर वो कह देंगे कि हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ तो कल को कोई भी एक्शन ले सकते हैं जो पहलवान है। तो इस तरीके से ये लोग फिर से बवाल कर सकते हैं और आरोपों की जांच कर 5 जून तक चार्जशीट दायर करने पर सहमति बनी थी और ये भी सहमति बनी थी कि WFI का चुनाव 30 जून तक हो और इस फेडरेशन में महिला अध्यक्ष की अगुवाई में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की बात भी हुई थी और WFI के चुनाव होने तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोच का नाम प्रस्तावित करने और फेडरेशन के चुनाव में खिलाड़ियों से उनकी राय पर भी सहमति हुई थी। इस समय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कहिए, ब्रजभूषण सिंह और उनसे संबंधित लोग चुनकर ना आए, ये भी इनकी डिमांड थी और महिला खिलाड़ियों को ज़रूरत के अनुसार सिक्योरिटी मिले, जिन खिलाड़ियों, अखाड़ों या कोचों के खिलाफ केस हैं उन्हें वापस लिए जाए। दोस्तों, हालांकि आज एक दूसरे देश में भी एक स्पेशल कानून बना है, लेकिन मैं बता दूं कि सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ उठाने वाली जो महिलाएं हैं जिन्होंने पहले भी इस तरीके के आरोप लगाए थे वो हैं विनेश फोगाट, कुश्ती खेलती हैं, साक्षी मलिक कुश्ती खेलती हैं, मैरी कॉम मुक्केबाज हैं और कर्णम मल्लेश्वरी वेटलिफ्टर हैं। इन लोगों ने भी कुछ इसी तरीके के आरोप लगाए थे और लड़कियों के साथ जब कुछ गलत होता है तो पर्सनली मैं ये समझती हूँ कि उनको उसी समय अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जब वो आवाज़ किसी के कहने पे या किसी के यूज़ करने पे अगर वो मुंह खोल रही हैं तो इट मींस कहीं कुछ गड़बड़ है, जैसा कि इस केस में हुआ, ये जो नाबालिग लड़की के साथ और ब्रजभूषण का जो मामला है। इसमें इसलिए केस में जान नहीं पड़ रही है क्योंकि ये केस कब हुआ और इस पे आवाज़ कब उठाई गई, इससे बहुत सारे संशय पैदा होते हैं दोस्तों। और अब देखिए क्या होता है, ये जो पहलवान है इन्होंने ये कहा था कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ कुछ तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आज शाम तक वो कुछ ऐलान कर सकते हैं और तारीख वगैरह बता देंगे, आपको जगह बता देंगे कि कहाँ वो जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हालांकि इनडायरेक्ट वे में जो पहलवानों से धरना शुरू हुआ था वो इस समय सड़कों तक पहुंचा हुआ है, उसको लेके किसान हाईवे रुके हुए हैं क्योंकि ये जो पहलवानों का धरना था ये फिर शिफ्ट हो जाता है किसान और फिर जाट किसान और सूरजमुखी तक। हालांकि कई चीज़ों पे बात हो गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन फिर भी हरियाणा के ही कुछ ऐसे मुखिया टाइप लोग हैं जो इस पूरे मामले को हवा दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा मेरे साथ, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा? आज चूँकि ब्रजभूषण को क्लीन चिट मिल गई है तो क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले में? आप अपनी राय ज़रूर मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी अपडेट मेरे पास आए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और सब तरफ राजनीतिक दलों में भी काफ़ी गर्मी है, तो आप अपना ख्याल रखिए। मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।